Assalamu alaikum, my dear students. I am your teacher, Ms. Aba Saleem here. I am teaching you the subject Art of Miniature Painting, and its course code is FINE 2121, and it's lecture number 5, which is the topic is Introduction to Mughal and Persian Paintings. The contents are characteristics of Mughal art, characteristics of Persian art, वीडियो लिंक्स एंड क्विजेस इन द एंड। जी, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इस लिंक के बारे में बताया था कि आपने इसको ओपन करना है और आपको इसमें मुगल आर्ट के बारे में बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगी। जितना पहले मैंने आपको पढ़ाया, इसको और फाइन तरीके से इस वेबसाइट पे आपको मुगल आर्ट के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसमें इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है, जो आप ज़रूर देखें। इट्स ऑल्सो इन योर कोर्स। जो भी चीज़ मैं आपको लिंक्स बता रही हूँ, जो वीडियोस बता रही हूँ, आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं, इसीलिए आपको लिंक्स सेंड किए जाते हैं ताकि आप और ज़्यादा उसको डीपली स्टडी कर सकें और उसमें से भी जो है वो आपका एग्ज़ाम आ सकता है। इवन वी कैन गिव यू असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू द लिंक्स, ठीक है। जैसे कि मैंने इस पेंटिंग के बारे में आपको बताया था कि ये बहुत ही एक फेमस पेंटिंग है, और आप इसकी डिटेल्स देखें कि इसके इवन फ्रंट पे जो आप ये फेंस देखेंगे, दिस पार्ट, इट इज़ सो रियलिस्टिक एंड वेल पेंटेड इन डिटेल। मिनिएचर इज ऑल अबाउट डिटेल्स। इवन यू कैन सी द पैटर्न्स, एक एक पिलर के अंदर भी जो है उन्होंने पैटर्न्स ऐड किए हैं। इवन यू कैन सी द हेयर्स, उसके बाल, वेरी लॉन्ग हेयर एंड द डिटेल्स के जो आउटर साइड है बालों की, वो एक एक बाल को उन्होंने डिटेल में बनाया है विद द कलम। इवन द पर्दाख, यू कैन सी पर्दाख हेयर, द डिटेल्स ऑफ ज्वेलरी, इट्स वेरी हैवी एंड वेरी फाइन पेंटेड। नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, यू कैन सी द अदर मिनिएचर्स। जस्ट एक इमेज इज नॉट गुड फॉर द रेफरेंस। यू कैन सी दीज थ्री इमेजेस आई सेलेक्टेड स्पेशली फॉर यू। यू कैन सी दिस इज द हंटिंग सीन वेयर द एलिफेंट कॉट द लायन एंड एंड देयर इज अ सोल्जर हु इज अंडर द लाइन। ये एक पूरा सीन दिखाया गया है हंटिंग का। यू कैन सी द सोल्जर हेयर हु इज हंटिंग द लायन। ये वो सीन्स हैं जो जो हमारे एम्परर्स हैं वो दिखाना चाहते थे। हाउ दे हंटिंग, किस तरह से वो इन चीज़ों का शिकार करते थे, क्या एनवायरनमेंट थी, कैसी कॉम्पोजिशन होती थी, लोग किस तरह से जो है किंग की जो है हेल्प करते थे। वो खुद एलिफेंट पे है किंग, बाकी उसकी जो रियाया है, जो उसके सोल्जर्स हैं, वो उसके साथ जो है उसकी हेल्प कर रहे हैं हंटिंग में। इन द नेक्स्ट पेंटिंग यू कैन सी जस्ट जस्ट एन एलिफेंट एंड थ्री फिगर्स, जिसमें जो सेंटर है वो किंग है। बाकी आप उसकी डिटेल्स देखें, द ज्वेलरी, द पैटर्न्स एंड द डिटेल्स ऑफ एलिफेंट। यू कैन सी दिस पार्ट, उसकी टेल के एक एक बाल को आप देखें, आर्टिस्ट ने बहुत ही खूबसूरती से पेंट किया है। बहुत ज़्यादा इलेबोरेट इसलिए किया जाता है, वहाँ हर एलिफेंट को इस तरह से नहीं प्रेजेंट करते। इट इज़ ओनली द राइट फॉर द किंग और एम्परर, जिसके पूरी उसको सजाया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स रिस्पेक्ट एंड लव टूवर्ड्स हिम। ठीक है, आप देखें कि वो इवन अ फ्लैग इज हेयर। आप यहाँ पे उसकी एक एक डिटेल्स देखें, ये जो वाइट वाइट डॉट्स है, जो ज्वेलरी का सारा एलिमेंट है। एज द किंग इज किंग के पास बहुत सारी दौलत होती है,
ज्वेलरी एवरीवेयर और इट्स अ साइन ऑफ ब्यूटी एंड अट्रैक्शन. सो आर्टिस्ट ने जो है वो एलिफेंट को भी बहुत सारी ज्वेलरी पहनाई है एज इट्स द राइट ऑफ द किंग. सो द राइट शुड ऑल्सो बी वेरी लुक्स एक्सपेंसिव एंड प्रीशियस लाइक देयर किंग. जी इन द अंदर लास्ट पेंटिंग यू कैन सी इट्स द इनर साइड ऑफ महल के अंदर का सीन दिखाया गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ताजमहल है जो शाहजहां ने बनाया था. सो दैट्स द पोर्ट्रेट ऑफ शाहजहां और इसके अंदर की आप सारी प्लेसिंग देखें जिस चेयर पे वो बैठा हुआ है एंड द डिटेल्स ऑफ एवरी आर्च. इट्स वेरी 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 डिटेल्ड वर्क. इवन यू कैन सी द ज्वेलरी एंड एवरीथिंग जो है वो बहुत पेंटिंग में एक फिगर है बट इट लुक्स अ वेरी हैवी एंड बिजी पेंटिंग बिकॉज ऑफ द पैटर्न्स बिकॉज ऑफ द आर्चेस जो पीछे डिजाइन बनाए गए हैं. एवरीथिंग इज वेरी मच इन डिटेल एंड वेरी रियलिस्टिक. बैकग्राउंड पे जो आप ताजमहल देख रहे हैं उसको बहुत खूबसूरती से बनाया गया है कि उसके जो डिस्टेंस शो किया है बीच में रिवर है देयर इज अ बोट हेयर एंड द ट्रीज आर इन फ्रंट ऑफ द विंडो. ये सब चीजें सब मिलके एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनाते हैं. इससे हमें ये अंदाजा होता है कि जो उस टाइम के जो मुगल आर्टिस्ट थे दे हैव द सेंस टू ड्रॉ प्रोपोर्शनली एंड हाउ टू गिव अट्रैक्शन इन द पेंटिंग हाउ टू मेक द पेंटिंग बिजी हाउ टू गिव कलर कॉम्बिनेशन हाउ टू कंट्रास्ट द कलर्स इवन द डेप्थ इन द पेंटिंग. सो मच थिंग्स इन मुगल पेंटिंग दे आर मोर रियलिस्टिक मोर अपीलिंग मोर अट्रैक्टिव आई मस्ट से. एंड दीज आर वेरी स्पेशली द लास्ट वन इज द वेरी फेमस पेंटिंग ऑफ शाहजहां पेंटेड बाय एन आर्टिस्ट जो उन्होंने खुद अपना सेल्फ जो है फिगर को पेंट करवाया है. अनदर मुगल पेंटिंग्स जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आर्टिस्ट जो एम्परर्स थे वो अपनी डेली बेस पे जो भी वो एक्टिविटीज़ करते थे वो आर्टिस्ट को कमीशन करते थे टू वर्क ऑन दैट टू मेक दैट सीन. एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर आपको पूरा एक दरबार का सीन नज़र आ रहा है. द एम्परर इज़ प्रेजिंग सम सोल्जर और समवन एंड द अदर उसकी जो रियाया है वो खड़ी हुई है जो उसके दरबान हैं वो साइड पे खड़े हैं जो गार्ड्स हैं उसके और आप दरबार का पूरा एक सीन देख सकते हैं. जिस तरह से डेली बेस पे दरबान लगाया जाता है लोग आते हैं एम्परर के पास अपने मसले लेकर एग्जैक्ट उसी चीज़ को जो है वो पेंट किया गया है. एंड द नेक्स्ट पेंटिंग यू कैन सी द हंटिंग सीन. आर्टिस्ट जो एम्परर है वो जो हिरन है जो डियर है उनका शिकार कर रहे हैं और साइड पे जो कॉम्पोजिशन बनाई गई है आप देखिए कि पूरी डेप्थ में इस पेंटिंग को बनाया गया है. आप ये बैकग्राउंड पे स्काई देखें उसके बाद के जो एरिया किंग तक आता है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं डेप्थ है. इवन यू कैन सी द पीपल वर्किंग हेयर और यहाँ पे फील्ड्स हैं बहुत सारी डिफरेंट कलर्स हैं. जो बैक पे हैं जो फ्रंट पे हैं उनका डार्क कलर है और जो बैक पे हैं उनके बहुत ही विविड कलर यूज़ किए गए हैं. इवन यहाँ पे भी आपको अगर आप गौर से देखें जूम करके देखें तो आपको बहुत सारे एनिमल्स इसमें नज़र आएंगे. इसी तरह से आप देखें कि गोल्ड कलर जो किंग है उसकी बैक पे गोल्ड कलर इस्तेमाल किया गया है एज अ सन सूरज की तरह उसकी ड्राइंग की गई है. गोल्ड से उसमें अट्रैक्शन आ रही है और पेंटिंग को जैसे ही हम फर्स्ट व्यू देखते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले
उसी की तरफ जाता है बिकॉज ऑफ द गोल्ड कलर, इसीलिए उन्होंने लगाया है ताकि सबसे पहले किंग की तरफ आई व्यू हो। जी नेक्स्ट पेंटिंग इज अ वेडिंग सीन। ये पिक्चर भी मैंने डिफरेंट सीन्स इसलिए सिलेक्ट किए हैं ताकि आप जब मैं आपको बता रही थी तो आप विजुलाइज भी कर सकें, देख सकें कि पेंटिंग्स भी जो इनके इवेंट्स थे वो किस तरह से होते थे। जो प्रिंस है वो हॉर्स पे आ रहा है और साथ में जो लोग हैं एंड द फीमेल्स आर वेलकमिंग हिम। दिस होल इवन यू कैन सी द फायरवर्क्स। हम तो ये सोचते हैं कि शायद फायरवर्क्स जो है वो इसी दौर की चीज़ें हैं, बट यू कैन सी द फायरवर्क्स ऑन द बैक साइड ऑफ द पेंटिंग। नाइट सीन है और इट्स ब्यूटिफुली पेंटेड और आप देख सकते हैं इसी तरह फूलों की पत्तियां उस पर फेंकी जा रही हैं, प्रिंस पे वेलकम किया जा रहा है। और आप इसका बॉर्डर देखें, बॉर्डर टोटली जो है वो गोल्ड लीफ से बनाया गया है। अगर इस पेंटिंग को हम रियल में देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा शाइन करेगी टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ द वेडिंग सीन। वेडिंग में गोल्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए आर्टिस्ट ने जो बॉर्डर है उसको टोटली गोल्ड में पेंट किया है। इंट्रोडक्शन टू पर्शियन पेंटिंग्स। अ पर्शियन मिनिएचर इज अ स्मॉल पेंटिंग वेदर अ बुक इलास्ट्रेशन और अ सेपरेट वर्क ऑफ आर्ट इंटेंटेड टू बी केप्ट इन एन एल्बम ऑफ सच वर्क्स। द टेक्निक्स आर ब्रॉडली कंपेरेबल टू द वेस्टर्न एंड बाइजेंटाइन ट्रेडिशंस ऑफ मिनिएचर इन इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स विच प्रॉबेबली हैड एन इन्फ्लुएंस ऑन द ओरिजिन्स ऑफ द पर्शियन ट्रेडिशंस। जी ये जो आपका इमेज जो मैंने सेलेक्ट किया है इट इज़ बेसिकली फ्रॉम ईरानियन पेंटिंग्स। अभी भी आप ईरानियन पेंटिंग्स की सर्च करेंगे तो उसमें आपको इस तरह के इमेजेस नज़र आएंगे विच आर नॉट रियलिस्टिक। आप इसमें ये देख सकते हैं कि जो फिगर के अलावा बाकी सारी जो कॉम्पोजिशन जो एलिमेंट्स इसमें ऐड किए गए हैं दे आर नॉट रियलिस्टिक। इट्स लाइक समबडी इज़ ड्रीमिंग, कोई ड्रीम ख्वाब देख रहा है और उसमें सब चीज़ें स्टाइलाइज फॉर्म में हैं बट इट्स वेरी ब्यूटिफुली पेंटेड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अर्ली पेंटिंग्स थी वो बुक एल्बम की फॉर्म में बनाई जाती थी, उनमें पर्शियन मिनिएचर्स भी हैं। और जो एशियन पेंटिंग्स हैं उनमें सबसे पहले हम पर्शियन पेंटिंग्स की बात करते हैं, पर्शिया से बेसिकली इसका आगाज हुआ था। दो एट वेरियस स्टेजेस इट हैज़ बीन अफेक्टेड बाई चाइनीज एंड ईस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, पर्शियन मिनिएचर आर्ट हैज़ डिवेलप इट्स ओन डिस्टिंक्टिव फीचर्स। ईरान्स मिनिएचर आर्टिस्ट आर रिकॉग्नाइजेबल फॉर देयर एम्फसिस ऑन नेचुरल एंड रियलिस्टिक मोटिव्स। ऑल्सो वर्थ नथिंग इज द पर्शियन टेक्निक ऑफ लेयरिंग पर्सपेक्टिव्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ स्पेस। जी इस जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि ये ईरानियन पेंटिंग्स हैं, दिस इज ऑल्सो अगेन रेफरेंस ऑफ ईरानी पेंटिंग। अगेन इसमें यही बात की गई है कि इसमें पर्सपेक्टिव को नहीं देखा गया, इसमें जो है वो लेयरिंग की गई है, ओवरलैप की गई हुई है चीज़ें। फ्लावर्स के पीछे बर्ड्स हैं, एक और उस पर पैटर्न आ रहा है। इवन जो जो फिगर है जो मेन कॉम्पोजिशन है उसके आप देखें कि ओवरलैप कर रहे हैं बर्ड्स, इवन उसके जो बाल हैं उसके साइड पे फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। एवरीथिंग इज़ ओवरलैप्ड एंड इट लुक्स वेरी बिजी पेंटिंग। और ये बिल्कुल सुरियलिज्म की तरह की मुझे पेंटिंग्स लग रही हैं, जो सुरियलिज्म विच इज़ नॉट इन इन रियलिटी और जो अनकॉन्शियसनेस से आप बनाते हैं। मुझे जिस तरह आप ड्रीम्स में जो चीज़ें देखते हैं ईरानी पेंटिंग्स आर मोस्टली लाइक दैट। दे थिंक जो भी वो सोचते हैं वो उसको पेंट करते हैं। और इनका इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा चाइनीज़ एंड ईस्टर्न पेंटिंग से था। आप अगर चाइनीज़ और ईस्टर्न पेंटिंग देखें तो उनका स्टाइल भी इन्हीं जैसा आपको लगेगा।
ये ज़्यादातर उनसे इन्फ्लुएंस थे, और मुगल आर्ट जो है वो इनसे इन्फ्लुएंस्ड हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इट बिकेम फ्लरिश्ड एंड बिकम अ वेरी रियलिस्टिक पेंटिंग्स। आई एम टॉकिंग अबाउट मुगल आर्ट। मिनिएचर पेंटिंग बिकेम अ सिग्निफिकेंट पर्शियन फॉर्म इन द 30th सेंचुरी, एंड द हाईएस्ट पॉइंट इन द ट्रेडिशन वॉज रीच इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। द ट्रेडिशन कॉन्टिन्यूड अंडर सम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आफ्टर दिस एंड हैज मैनी मॉडर्न एक्सपोनेंट्स। द पर्शियन मिनिएचर वॉज द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन अदर इस्लामिक मिनिएचर ट्रेडिशंस, principally the Ottoman miniature in Turkey and the Mughal miniature in the Indian subcontinent. जी, टर्की, ईरान एंड इंडिया, इसमें जो है वो आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग्स नज़र आएंगी। इसमें आप देखें कि फिगर जो है टू फिगर्स हैं, और इट्स बेसिकली अ लव सीन। और आप इसमें देखें कि द फिगर्स आर मोर इन स्टाइलाइज फॉर्म, ऐसे जैसे इनके अंदर बोन्स नहीं हैं। इवन यू कैन सी द दिस प्लांट, ये भी स्टाइलाइज फॉर्म में है। द लीव्स, एवरीथिंग इज स्टाइलाइज फॉर्म, एज जैसे कोई म्यूजिकल जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं उस टाइप की म्यूजिकल वेव्स की तरह की ये पेंटिंग्स हैं। और ये कौन सी टाइप कहलाएगी? जी, ये नीम रंग में बनाई गई है, और इसका कुछ पार्ट जो है वो कलर्ड बनाया गया है। द अदर रेफरेंसेस आर, ये देखें पेंटिंग, इट इज़ अगेन वेरी बिजी, बट परस्पेक्टिव का उसने से ख्याल नहीं रखा गया। ये वहाँ के लोग जो पहाड़ों पे रहते थे, जो पत्थरों में रहते थे, उनकी लाइफ को दिखाया गया है। यहाँ आप गार देख सकते हैं, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, हाउ दे आर वर्किंग। कुछ पहाड़ के ऊपर हैं, इवन द एनिमल्स वो पहाड़ों के ऊपर रॉक्स के ऊपर चढ़ रहे हैं, टेंट्स में लोग रह रहे हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी मीनिंगफुल पेंटिंग। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम के लोग किस तरह से रहते थे। ऑल दो द पेंटिंग इज नॉट रियलिस्टिक, बट वी कैन सी द थीम एंड द आइडिया ऑफ द आर्टिस्ट वर्क। द कलर्स आर वेरी गुड, जो रॉक्स के कलर्स हैं, एक एक रॉक के अंदर आप डिफरेंट टोन्स देख सकते हैं। इन द सेकेंड पेंटिंग अगेन जो एम्परर है उसको दिखाया गया है, एक बूढ़ी औरत है जिससे वो बात कर रहे हैं, और उसके साथ में गार्ड्स हैं। इट्स लाइक गार्डन सीन और ट्रेवलिंग सीन, कि एम्परर जो है वो कहीं ट्रेवल कर रहा है, और रास्ते में उसको किस तरह से लोग मिलते हैं आके। आप जो है वो क्लाउड्स देखें, पर्शियन पेंटिंग्स के क्लाउड्स, दे आर वेरी, आई रियली लाइक देम। I mostly use these clouds in my paintings. You can see the border and the text. इस पेंटिंग में भी आपको टेक्स्ट नज़र आएगा, और इसमें भी आपको टेक्स्ट नज़र आएगा। लवली ब्लू कलर, जो स्काई का कलर इन्होंने लगाया है। द कलर्स कॉम्पोजिशन, उसका बहुत अच्छी बनाई हुई है, बट अगेन द परस्पेक्टिव एंड द रियलिस्टिक एलिमेंट इज मिसिंग इन दिस paintings, but overall the paintings are very meaningful and very attractive. इसी तरह से आप एक ये घर का सीन है, और यू कैन से किसी मॉस्क का सीन लग रहा है, उसमें आप देखें कि पर्सपेक्टिव को उस तरह से नहीं ख्याल किया गया। ये इमेज इसलिए मैंने सेलेक्ट किया कि एक तरफ उन्होंने टेंट बनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो दूसरी उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं वो किस तरह से बनाई हैं वो मैंने आपको शो की हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप और भी बहुत सी सर्च करें, आप और भी ज़्यादा काम देखें, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हाउ पर्शियन पेंटर्स पेंटेड एट दैट टाइम। वीडियो लिंक्स है अबाउट पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग, जैसे मैंने मुगल की आपको वीडियोस शेयर की थी, आप इनको भी देखें, दे आर वेरी यूजफुल। एंड जो मैं आपको वर्बली और इमेजेस के थ्रू दिखा रही हूँ, आप उसको वीडियोस के थ्रू भी देखें, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे।
जी लास्ट में है क्विजेस। क्विज मैंने इसलिए रखती हूँ ताकि पिछले दो लेक्चर्स के क्विजेस मिला के मैंने एंड में इसका क्विज बनाया है, ताकि आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाए कि आपको लेक्चर की कितनी समझ लगी है। ठीक है, इसके आपने मुझे आंसर्स लिख दें, या इसी तरह से आप उसको प्रिंट निकाल लें, या आप इसी तरह से इसको कॉपी करके पेज पे आपने आंसर्स लिख के उसकी पिक्चर के इमेज जो है पेपर का इमेज आपने मुझे सेंड बैक करना है विद योर नेम। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितने लेक्चर की समझ लगी है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स आर नोन फॉर देयर व्हाट? इंट्रिकेट ब्रश वर्क, ब्लैक एंड व्हाइट कलर पेंटिंग्स, नॉर्मल पेंटिंग्स। अदर क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ ब्रशेस वर मोस्टली यूज फॉर राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग? थिक ब्रशेस, थिन एंड फाइन ब्रशेस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिक एंड थिन ब्रशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हूज एम्पायर रीजन इल्यूमिनेटेड एंड इंडिविजुअल मिनिएचर्स वर रिप्लेस्ड बाय वॉल पेंटिंग द मोस्ट वाइटल फॉर्म ऑफ आर्ट? मोहम्मद बिन तोहलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर और शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द आर्ट ऑफ पेंटिंग रीच इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच एम्परर ऑफ मिडिवल इंडिया? इट्स अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पेंटिंग विच यू हैव सीन इन द स्क्रीन, दिस पेंटिंग इज नोन एज वॉट? मुगल पेंटिंग, पर्शियन मिनिएचर और राजस्थानी मिनिएचर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी इजी क्वेश्चंस, आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। डू कमेंट आपको किस तरह का लेक्चर लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू अप्रिशिएट योर टीचर। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑल दिस लेक्चर्स, यू कैन आस्क फ्रीली कमेंट ऑन द गूगल क्लास रूम, और आई हैव पेज इन द फेसबुक विच इज कंटेम्प्रेरी मिनिएचर आर्टिस्ट, यू कैन आस्क फ्रॉम देयर एज वेल। यू कैन सी माई वर्क, मिनिएचर वर्क देयर। एंड प्लीज वर्क हार्ड एट होम, एंड यस ऑफकोर्स प्रे फॉर yourself, your family and university, and of course your teachers as well. Thank you so much. Till then, Allah Hafiz.